हुजूर वीडियो स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मुनीब खान और मेरे साथ हैं वन एंड ओनली उमर सईद। और आज हम लोग मौजूद हैं अली भट्ट और शान भट्ट के फ्लैट पे। जी जी, हम आए थे इनसे इनका इंटरव्यू लेने, क्योंकि आप सब इनको अच्छी तरह जानते होंगे। वही तुसी जानते हो ना? बिल्कुल, आपने लोगों को इनको देखा होगा अखबारात में, टीवी में और गली मोहल्लों में। तो आज हम इनसे मिलने आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनका टाइम लिया है हमने। तो आज हम इंट्रोड्यूसिंग करवा रहे हैं आपको शान भट्ट की और आसिम आसिम अंसारी की। अंसारी है आसिम अंसारी। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो उमर भाई कैसे आपने टिकटॉक कब स्टार्ट किया फिर? मैं ना जब म्यूजिकली था तब मैं देखता होता था टिकटॉक। अच्छा, देखना चाहिए, देखना चाहिए। भाईजान भाईजान इंटरव्यू इंटरव्यू इधर लड़ाई तो अच्छा। अली भट्ट जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, आपको पता ही अली है, ये शान है। जी मुझे पता है। कौन है ये शान? शान नहीं है ये। अली शान है। शान नहीं है ये। अच्छा, शान नहीं है। अच्छा, ये अली है। तो आप इधर ही होते हैं? जी जी, मैं इधर ही होता हूँ। काम करके नहीं जाना था। अच्छा, तो अली आपने जब टिकटॉक स्टार्ट किया जी भाई, तो क्या था? जी भाई जान। ऐसे नहीं बोलना, कहना जी जी, जी थोड़ा सा एटीट्यूड में। हाँ, मतलब आप थोड़ा सा स्टार है, आप स्टार से कोई इज्जत तो दे ना। घंटे से पढ़ो, आप पढ़ लो फिर चलो। अच्छा देखे, जिसका काम है उसको करने दो। हाँ, उसको करने दो, बीच में मत बोल। अच्छा तो एक मिनट यार, पंखा ना चला दो। अच्छा चला दे यार, ये फैन प्लीज ऑन कर। खाना वगैरह आपने मना कर दिया सर? लास्ट मंगवाया नहीं था। अच्छा अच्छा, मंगवाया नहीं। तो आपने जब टिकटॉक स्टार्ट किया, आप दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया या एक एक करके स्टार्ट किया? लाजमी बात है, एक एक करके। पहले किसने स्टार्ट किया, आपने या शान ने? शान। आपने क्यों नहीं किया? मैं तब सोया हुआ था। अच्छा, आपने सोए हुए उसने स्टार्ट कर दिया, तो आपको कैसा लगा? सर मैं कि दूसरे कमरे में सोया हुआ था, वो कहीं और कर रहा था। क्या कर रहा था? टिकटॉक स्टार्ट। टिकटॉक स्टार्ट कर रहा था ना। वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, बंदे आसिम ने धक्का लगाया उसे। अच्छा अच्छा, आसिम पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अच्छा, हम बढ़ते हैं, हम पास्ट को छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। देखें शान भी आ गया, तो हम इंटरव्यू के अंदर ही वेलकम करेंगे। इधर आओ, इधर शान को। भाई माइक बच्चे खेलने के लिए बैठे हैं, बस ही हो गया। अरे भाई वीडियो बन रहा है, देखेंगे इंटरव्यू होता है। आप इधर आए, एडजस्ट हो शान, प्लीज इधर आए। आप इधर आओ, मजाक है। हम लोग जियो की तरफ से बिल्कुल नहीं आए। हां, एयर वाय तो मैं रखता ही नहीं है। ये इंटरव्यू आपका, आपको पता है किधर चलना है? कहीं ना इधर कोई नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, ये आपका इंटरव्यू चलना है लारी अड्डे। माई दी चुकी। और आपको, आप इनको इजी ले रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन सी हस्ती है आपके सेंटर में बैठी हुई है। ये बला है, ये बला है, ये भाई, ये पाकिस्तान के, पाकिस्तान के बड़े फेमस व्हीलर रह चुके हैं ये। अच्छा अच्छा, क्या जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी व्हीलिंग करते थे वो। वही ना फड़े गया थी? नहीं नहीं, वो तो फड़े गया था, मैं भी दस देना तो ना दस। तो हम बड़ी अच्छी अच्छी दूर दूर व्हीलिंग करते यार। मेरा वाकया सुनाए, वो तो मैंने टायर उठाया जब। ओए सुने, इंटरव्यू टायर उठाने का हो रहा है क्या हमारा? नहीं नहीं, बड़ा जबरदस्त। अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, एक वाकया, एक दफा का जिक्र है। चलो, इन्होंने मेरी तारीफ तो की है, ठीक। खैर मैं इनके बारे में भी जानता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक मिनट, आप दोनों ने आपस में ही बातें करनी है आप? यार चलो, बड़ा मजे का वाक्य, बड़ा मजा आ गया यार। आप वाक्या सुन लो। चलो, इन्होंने तो बता दिया मेरे बारे में, लेकिन ये जो शख्स बैठा हुआ है ना, ये भी बहुत बड़ा रेसर था। अच्छा, बहुत बड़ा वन व्हीलर था। चलो, इसका नाम गूंजता होता था किधर। इसने एक दफा भला क्या किया है, बड़े बड़े व्हीलर देखे होंगे आपने। एक दफा इसने भाई जी व्हील उठाया लाहौर से। लाहौर से व्हील उठाया इन्होंने, फैसलाबाद जाके बेच दिया। यार भाई किड़ी तीन कर रहे यार, चोर है यार। मैं तुम्हें व्हीलर व्हीलर कह रहे हैं, थोड़े आया तो मजबूर व्हीलर से। अच्छा अच्छा यार, हम ना आगे बढ़ते हैं, पास को छोड़ दें। आपने पहले स्टार्ट किया टिकटॉक, ठीक है। आपका सबसे फेवरेट टिकटॉकर कौन है?
आसिम अंसारी ने अपना फेवरेट टिकटॉकर क्या है, यकीन तो नहीं आया होगा। ये माइक है यार, क्या कर रहा है ये के बगैर माइक है भाईजान, ये माइक है कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछो। आपको अली भट्ट और शान भट्ट ने अपना फेवरेट टिकटॉकर कहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वो चीजें गिनना शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ए, इसके ओवर एक्टिंग है, 10 रुपए का काटो यार, इसके नंबर काटो, ओवर एक्टिंग है। उमर भैया आपका वो क्वेश्चन रहता था एक शान से, वो पकाए शान से खाए शान से, हाँ ये किसने लिखा है, साला है वो यूज करते हैं आप। अच्छा तो आप और सुनाए। आपका आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट जॉन सीना। नहीं 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 अच्छा ये पीछे शोएब अख्तर की एक किताब आई थी जिसमें, हाँ वो ही खिंचा तुरई, उसमें ना उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ प्लेयर्स के बारे में कुछ बातें की थी, शाहिद अफरीदी ने भी उस पर कॉमेंट किए थे, तो उस सब के बारे में आपको क्या लगता है कि टिकटॉक क्यों बैन हुई? सर यही तो यही है कि वो स्विंग सही नहीं करते थे वो, ठीक है, टिकटॉक बैन हो और पिच पे पिच पिच कर देते थे तो सारा टिकटॉक तो बैन हो नहीं था, हो नहीं था भाई, इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। हाँ, देखे ना, आटे का रेट भी इसी वजह से बढ़ा है भाई जन, यही है पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, टिकटॉक कैसे जो आपने तुर्की के साथ किया, किस मुंह से आप तुर्की जाएंगे भाई जन, फिर आप कहते हैं कि स्नैक ऐप आ गई, इसी मुंह से जाना पड़ेगा यार। सर आप सारी बातें आपकी एक जगह, देखिए आप ये माने जो हमने तुर्की के साथ किया है, कोई सोच सकता था कोई कर सकता है? नहीं नहीं, देखे ना उनके, हालांकि वो इतने कबीले चलाता था उसको पता नहीं था कि ये होना उसके साथ, नहीं नहीं देखे ना वो अपनी तरफ से उसने दुनिया तक फतह करने के तुला हुआ था वो बंदा, तो तुला हुआ था, तला हुआ ना वो तुल गया था पूरा। लेकिन एक टिकटॉकर, पाकिस्तानी टिकटॉकर, उसकी सारी बिल्डिंग बुल्डिंग खरीदने के, लेकिन भी इसमें इशू है, ये जो हमें सीधा सीधा सीन नजर आ रहा है ना वैसा है नहीं, ये कुछ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भी किया जाता है, इसमें कुछ और भी वजूहात होती हैं, तो इस सब के बावजूद आपने जो ये पीछे इससे पहले जो स्टेटमेंट दिया आसिम अंसारी के बारे में, आपने अपने पूरे होशो हवास में दिया, कोई नशा तो नहीं करते आप? अच्छा आपके क्या व्यूज हैं इन दोनों भाइयों के बारे में, कैसे कैसी वीडियोस बनाते हैं ये, और आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छी वीडियो बनाते, इसको क्यों पकड़ते हो इसके हाथ पकड़ो यार अली, इसके हाथ पकड़ो यार पीछे भाईजान, दो मिनट के लिए दे दो, बच्चा है खेल खोल के वापस दे देगा, वापस कर दोगे ना? मैं आपको बताता हूँ, हमारा भाई है सिंगर है, तो उसे शौक चढ़ता है बार बार, सिंगल भी है अभी, सिंगर मांगता है गाने गा के। चलो जी आसिम भाई ये गाना हो जाए। अच्छा मैं आपको एक ना बड़े मजे की न्यूज सुनाता हूँ, एक दफा आसिम मसाज माइक वापस लेगी, एक दफा आसिम मसाज मसाज करवाने गया तो इधर ये गलत। अच्छा गाना गाने लगे थे, नहीं गाना चलो गा दो, नहीं आप ऐसा करो कि ना लतीफा सुनाओ, लतीफा नहीं गाना, लतीफा गाना नहीं यार, मुहर्रम है गाना नहीं, गाना नहीं भाई जान, मैंने अभी अपलोड करनी है ना, हाँ। कह रहे नहीं आप लाइव जा रहे हैं, आप लाइव 15 चैनल्स पे चल रहे हैं इस टाइम, अगर ये पुरानी वीडियो तो झंडा 20 मार्च का, कैसी फजूल बात कर रहे हैं, आप कोई झंडा नहीं ले रहे, कोई लतीफा सुनाए, लतीफा सुनाए यार वो ना, और अच्छा लतीफे की एक कंडीशन होगी कि लतीफे में आपने हंसना नहीं है, बिल्कुल भाई जान ये इंटरव्यू तो आप ले रहे हैं, पंखा पंखा कोई नहीं है, नहीं यार वो नहीं सुना, देखो पसीना गिना है, चले लतीफा चलो भाई, पंखे की क्या बात कर दी आपने, पंखा लगवाया था मैंने, अच्छा तो मुनीब भाई गुर्बत इतनी थी, गुर्बत से तंग आ गए एक दिन मुनीब भाई ने, पंखे को रस्सी डाली तो और उतार कर बेच आए, यार सारा कुछ मैं ही बेचना यार, वो ताड़े में कोई शहर लंदा गई, हर चीज मैं बेच के आना जाके, क्योंकि ताड़े में जिसकी टैलेंट है कला वा कला कला मेरे जिए सेलमैन वो कला मेरे जिए, चले कला ताड़े से बेच चाहिए, देखो यार तुसी उमर भाई नु की कसम है जलील कर रहे हो थे बुला के, चंगे भले वो घर च बैठे हो अपने लॉन लॉन ने एसी बिल्कुल हर चीज, तुसी ये किथे उमर भाई खजल हो रहे हो, यकीन करो थे आन के मैं इतना गिल्टी फील कर रहे, चंगा भला घर मैं वेला बैठा है
सब बोर हो रहे हैं ना ध्यान सर वेले बंदे तो आपको बिल्कुल वेला रहना हर बंदे दे एक कला है। एक कला है भाई जी ने इंटरव्यू में बहुत बल्कि चला गया मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं इन्होंने कोई बात की है ढुआ ढुआ कुछ मैं कहा ढुआ अकड़ जांदा लंबे पै पै के अच्छा नाले और जदों मैं वेला हुंदा सीगा ना कोई काम कार नहीं सी हुंदा सारे मैनू ताने मारदे हुंदे सीगे कि वेला नखट्टा ते नखट्टा पिछे जे जो लॉकडाउन नहीं लगा ते ओही बंदे मैनू फोन कर करके सलामियां पेश करदे बहुत मुश्किल है देख मेरा भरा किदा वेला रहंदा सी ते साडे को नहीं रहया हुंदा हुण हुण भी वेले अच्छा एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जिम का शौक दोनों में से पहले किसको हुआ था अली तो अच्छा, आप टिकटॉक होने उनकी थी ते शौक है सी नहीं नहीं तो आप कर ला इंटरव्यू ना था टिकटॉक होने उनकी थी हम क्यों हैं यहाँ पे इसलिए कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग भाईजान मैं आपको जरूरी नहीं है कि आपकी तारीफ कर दी अब आप बीच में अच्छा आपको सबसे बुरा टिकटॉकर कौन सा लगता है अच्छा आपको इसका सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा लगा था वो अभी तक बना है नहीं वो भी बनेगा अच्छा, अच्छा, क्योंकि आजकल तो आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो ये आपने टाइगर पहना हुआ है पता नहीं जी टाइगर ही है भैया मैं तो यही पूछूंगा आप दोनों की इतनी मतलब फेम देख के आप दोनों की इतनी इज्जत देख के मैं तो आपसे एक ही सवाल करूंगा नहीं नहीं बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि बंदा चाह दे नाल नान खा सकदा कि नहीं नहीं लेकिन उसकी कंडीशन है ना नान पे घी लगा हुआ सर एक कहावत है जी आप क्या कह रहे हैं बोल दे कौन सा लाइव शो चल रहा है मैं कह रहा हूँ वो भाई सही नजर नहीं आ रहे वो आएगा नजर आपको सीक्वेंस बना के उस पे बनाए दोबारा से नहीं नहीं यही चलेगी यही मैं सी पागल बनाओ दोबारा जल्दी रहने दो की तो नहीं 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 हाँ रुकने नहीं है चाहिए बस भाई जी ना आप इंटरव्यू लेने हैं जी मुझे लग ये रहा आप 100-200 लेने हैं बड़ी मोहब्बत के साथ है ना आपके पास रोटी खाने आए और जाते जाते आपसे 14 अगस्त के मौके पे इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया तेरी आपके मैसेज देना चाहेंगे भाई जी मैं मिस कॉल ही देता हूं मैसेज मैं ये कहूंगा कि इंडिया तेरी मां दी वजह तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है ताड़ियां दुआवां दी वजह तो बिल्कुल सही साडी दुआ वा तेरा भाई का नाम मैं खुद ओए ये दबाया नहीं सी मैं ये लेटेस्ट है लिसनर नॉइस कैंसलेशन होती है सर अच्छा सर ये पैसे भी लग सर ये कौन आपकी खुली जा रही है पंडित यार ये देखिए ऐसी भी वैसी भी खास बात नहीं इंडिया हमारा दोस्त है इंडिया हमारा दोस्त है हमारी बड़ी फैन फॉलोइंग है वहां पे बिल्कुल तो मलेशिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे मलेशिया का माहौल बहुत अच्छा होता है अच्छा माहौल की जो बात बोल रही है तो आप माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे ये भाई था इसी के भाई जान उसे बेचारे को क्या माहौल पूछ रहे हैं परसों मसाज कराने गए मैं अच्छा तो इसके साथ ही आप इसको इजाजत दें चलो फॉलोइंग पूरी हो ठीक है आपके जाते जाते कुछ मना करने चाहेंगे इनको नहीं मैं तो यही कहूंगा कि यार गोभी के पराठे खा के बाहर ना निकले नहीं 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 निकले वो निकले आप नहर च नहाना ना बंदा वड्डा नहीं हुंदा ठीक है ते केले खान ना मुछ वड्डी नहीं हुंदी मैं यही दो तानू बंदा वड्डा हुंदा सर एक मशवरा मेरा भी ले लो केला चाह दे नाल ते उंगल छुआ दे नाल कदी नहीं लैनी अच्छा इन्हां दा भी पैगाम असी अपनी ऑडियंस दा के पैगाम ताडा जरूर पहुंचावांगे तुसी इदां ही दिल ला के मेहनत करदे रहो खज्जल हुंदे रहो इसके साथ ही हमें इजाजत दें प्रोग्राम खिंचा तो ही के साथ अल्लाह हाफिज़ वो कह रहे जाओ तो पहले भी कुछ देख रहे हैं इजाजत दिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो इस चैनल वो है ही कोई नहीं तो कौन करेगा सब्सक्राइब किससे बात कर रहा भाई तेरे चैनल का नाम क्या वो कह रहे थे वो वाले रखना है चैनल का नाम है चैनक चैनक का नाम आप चैनक रख दें
अब माइक इधर ही उठे हो जी है यार एस्टेम लगी सानू भूख अच्छा बड़ी अच्छी बात की है क्या उच्च विचार क्या कहने सर मेरी बात सुने अगर खाने की भी भूख डालनी ना माइक किधर है वो सिर्फ डमी है आप बताएं सानू लगी है एस्टेम बड़ी भूख कैमरा उधर ही देंगे कि नहीं अच्छा बोल अच्छी बात बता दे ऑडियंस को की दसा हूं मैं अच्छी गल कोई नहीं आती तेन अच्छी बात अच्छी बात आपके बड़ों ने आपको कोई बताया होगा इतिहास के बारे में कोई करना है तो ला दे।